इस तरह की किसी भी चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र का राज है, भारत का संविधान लागू है, लिहाजा डेमोक्रेटिक राइट सबके एक जैसे हैं। और आपको ये चीज़ देखकर हैरानी होगी कि जिन तीन लोगों का नाम कोरेगांव के इस कांड में आया है, वो संस्था आरएसएस के अंडर काम कर रही हैं। आरएसएस और भाजपा को आज सोशल मूवमेंट पार्टी के इस प्लेटफॉर्म से मैं ये चेता देना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के विरुद्ध या लोगों के मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध अगर किसी तरह का भी उन्होंने कोई मूव किया, तो हम उसकी ना सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि उसको डिफीट करने के लिए लड़ मरेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ पर देश भर में हो रहे हमलों के विरोध में रखी है। ये जो रिसेंटली 1 जनवरी 2018 को कोरेगांव में भारत के एससी एसटी ओबीसी और मूल निवासी वहाँ पर अपना शौर्य दिवस मनाने गए थे और उन पर जो फासिस्ट फोर्सेज ने हमला किया है और हमला करने वाले जो लोग नामजद हुए हैं वो आरएसएस के अंडर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग हैं, लिहाजा सोशल मूवमेंट पार्टी आरएसएस और भाजपा के इस एक्ट को बड़ी बुरी तरह से इसकी मजम्मत करती है, इसको कंडेम करती है और लोगों के मूलभूत अधिकारों को बहाल करने के का आह्वान करती है। इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की तर्ज पर हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन को ख़त्म करने का आह्वान करते हैं, पूरे भारत के एमपीज और हर रियासत के एमएलए से आह्वान करते हैं कि आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्व सीटों से चुनकर आए लोग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के हित में बात नहीं करते हैं, वो इनके विरोध में बात करते हैं और इनके विरोध में जो फासिस्ट फोर्सेज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तीसरा आह्वान मैं यहाँ से ये करना चाहूँगा कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी अब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं ताकि इन फासिस्ट फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके और भारत के संविधान में जो मूलभूत अधिकारों की बात है उसको लागू किया जा सके, इस देश में रूल ऑफ लॉ को लागू किया जा सके। ये हमारा आज का मुद्दा है।